क्वेश्चन एट में हमारे पास हमें इंटीग्रेशन करना है वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का। तो कैसे करा जाए देखो, अब आपको ये समझना है कि वन माइनस कॉस और जो वन प्लस कॉस है सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। देखो क्वेश्चन रूल कुछ है नहीं, हम इसमें कॉस टू थीटा के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। क्या होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा होता है और एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एंगल हाफ होता है, अगर टू थीटा है तो यहाँ थीटा हो रहा है, ये टू थीटा तो यहाँ थीटा हो रहा है, तो इनको अप्लाई करें वन माइनस। अब सर कौन सा किस में अप्लाई करें, याद रखना अगर बीच में माइनस है तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करना, ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीखा भी होगा। तो यहाँ पे वन माइनस टू साइन स्क्वायर, देखो टू थीटा का हाफ थीटा हुआ तो एक्स का हाफ क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू वन प्लस, यहाँ पे क्या आएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का वन, ये डी एक्स वन से वन कटेगा। और जब यह ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वन भी कट जाएगा ना, और माइनस माइनस ये प्लस होगा तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या आएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे ही तो आएगा डी एक्स। ठीक है, टू से टू कटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। टेन स्क्वायर का बहुत दो तीन क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, जब मैंने बोला था टेन स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वो टेंथ क्लास की आइडेंटिटी। तो उससे आएगा ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का वन डी एक्स। ठीक है, अब अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन माइनस वन का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर का क्या होगा टेन, क्योंकि सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन होता है, लेकिन एक्स का जो कोफिशियंट है यानी वन बाई टू, तो वो डिवाइड में भी आएगा, वन का एक्स हो गया प्लस सी, तो टू ऊपर जाएगा तो टू टेन एक्स बाई टू प्लस का माइनस का एक्स प्लस का सी, ये तुम्हारा आंसर आएगा। तो टू टेन एक्स बाई टू माइनस का एक्स प्लस सी, क्लियर।